लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। बिहार और पूर्वी यूपी समेत देश के कई राज्यों में छठ की खास रौनक देखने को मिल रही है। इस सिलसिले में नदियों और तालाबों के किनारे घाटों को सजाया सवारा जा रहा है। छठी मैया तोहारी बरतिया करब अब की बार, छठी मैया तोहारी बरतिया करब अब की बार। दीपावली के बाद छठ पर्व के लिए शहर, गांव और कस्बों में तैयारियां जोरों पर हैं। कहीं नदियों के किनारे घाटों की सफाई और रंग रोगन चल रहा है, तो कहीं पूजा पाठ के साथ साथ अस्थाई घाट के निर्माण का काम भी शुरू हो चुका है। ऐसे में राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में भी घाटों की सफाई का काम खासतौर से जारी है। दिल्ली में करीब 900 घाटों को सजाया संवारा जा रहा है। दिल्ली के आईटीओ घाट पर इस वक्त हम मौजूद हैं। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से छठ समिति के जो घाट हैं उन पर तैयारियां जो है वो जोरों शोरों के साथ की जा रही हैं। अलग अलग टेंट और जो है वो लगाए जा रहे हैं, आर्टिफिशियल पाउंड जो है वो बनाए गए हैं ताकि जो छठ व्रती यहाँ पर आ सके तो वो उगते सूरज और ढलते सूरज को जो है वो अर्घ दे सके, क्योंकि पिछले लंबे वक्त से दिल्ली की यमुना का जो स्थिति है उसको देखते हुए एनजीटी के आदेश के चलते यमुना नदी में पूजा अर्चना जो है वो बंद किया हुआ है। यही वजह है कि सरकार की तरफ से तैयारियां जो है वो की जाती हैं। आप देख सकते हैं घाट की ये तस्वीरें हैं जहां पर जेसीबी की मदद से जो है वो जो मिट्टी है उसको पूरी तरीके से समतल किया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो टेंट और तंबू जो है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं ताकि जब लोग यहाँ पर पहुंचे, 3 दिन का ये फास्ट है, 17 से लेकर 20 तारीख तक जो है वो मनाया जाएगा, लाखों श्रद्धालु जो है वो छठ घाट पर आते हैं और इस घाट पर आकर के पूजा अर्चना जो है वो करते हैं। और मैं मौजूद हूँ कालिंदी कुंज के घाट पर। हालांकि दिल्ली सरकार अब छठ का आयोजन नहीं कर रही है, लेकिन जिस हिस्से में हम मौजूद हैं ये यूपी का हिस्सा है और यहाँ पर बीते 19 सालों से छठ का आयोजन हो रहा है और एक समिति है जो कई सालों से छठ का आयोजन भी करती है और यहाँ पर पूरी तैयारियां भी करती है, जिसमें स्थानीय जो प्रशासन है वो भी मदद करती है। फिलहाल अगर मैं आपको यहाँ तस्वीरें दिखाऊं तो आपको तस्वीरों से ये जरूर नजर आ रहा होगा कि ट्रैक्टर चलाया गया है और सफाई का काम जो है वो तेजी से किया जा रहा है, क्योंकि ये घाट आम दिनों में काफी गंदा हो जाता है, तो इसलिए फिलहाल यहाँ पर सफाई का काम काफी तेजी से किया जा रहा है। अगर पीछे आपकी नजर जाए तो आप देखेंगे कि अब टेंट लगाने का काम भी शुरू होने वाला है, क्योंकि छठ के अगर काउंटडाउन की बात करें तो छठ बिल्कुल नजदीक आ गया है। 4 दिन का ये पर्व होता है जिसमें अब ये कह सकते हैं कि कुछ ही घंटे बाकी है। ऐसे में तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से चल रही है, बड़े बड़े जो होर्डिंग लगाने का काम है वो भी किया जा रहा है, क्योंकि ये जो कालिंदी कुंज घाट है ऐसी जगह है जहाँ हजारों की तादाद में हर साल लोग छठ महापर्व मनाने पहुंचते हैं। ऐसे में उनके रुकने की व्यवस्था, उनको किसी चीज की दिक्कत ना हो, और खास तौर पर क्योंकि पानी बहुत दूषित है यमुना का, उसे भी साफ करने का जो काम है वो किया जा रहा है। केवल दिल्ली ही नहीं, पटना हो या फिर मुजफ्फरपुर, इन दोनों ही जगहों पर घाटों की साफ सफाई का काम कई जगह पर जारी है। राजधानी पटना के दीघा घाट का ये नजारा दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए कि किस तरीके से छठ पूजा को लेकर घाटों को जो है वो तैयार किया जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा। और इस पूजा के दौरान जो घाटों पर सबसे विशेष बात का ख्याल रखा जाता है वो है बैरिकेटिंग, क्योंकि नदी जो है वो कुछ ही दूर आगे जाने के बाद गहराई ज्यादा होती है इस नदी की, जिसको लेकर बैरिकेटिंग जो है वो सबसे पहले लगाया गया। और तस्वीरें देखिए कि दीघा घाट पे हम मौजूद है और दीघा घाट पे महज 3 मीटर तक का ही जो स्पेस है वो छोड़ा गया है, जहां पर पानी में उतर कर जो व्रती है वो अर्घ देंगी, उसके बाद बैरिकेटिंग लगा दी गई है और पूरे घाट पे ये बैरिकेटिंग लगा दी है। दूसरी तरफ अगर आप नजारा देखेंगे तो जो व्रती या फिर जो श्रद्धालु छठ महापर्व में शामिल होने दीघा घाट या जो पटना के तमाम घाटों पे पहुंचेंगे उनके लिए घाट जो है वो तैयार किया जा रहा है, जो प्रमुख छठ घाट है मुजफ्फरपुर का। और ऐसे में यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में छठ व्रती और आसपास के लोग और कई मोहल्ले के लोग छठ व्रत करते हैं। वैसे मुजफ्फरपुर की यदि बात करें तो मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी के किनारे हजारों की संख्या में लोग छठ व्रत करती हैं और ऐसे में वहाँ पर प्रशासन, जिला प्रशासन भी काफ़ी मुस्तैदी से तैयारी कर, जिला अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मुजफ्फरपुर शहर स्थित विभिन्न तालाब पोखरों के साथ साथ बूढ़ी गंडक नदी के छठ घाट को भी तैयार कराया जा रहा है कि छठ में किसी तरीके की परेशानी, छठ व्रती
स्थान को नहीं हो, इसको लेकर के प्रशासन के साथ साथ स्थानीय लोग, स्थानीय जनप्रतिनिधि भी लगे हुए, ताकि छठ को, लोक आस्था का महापर्व जो छठ है, इसे बेहतरीन तरीके से मनाया जा सके और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। सूर्य उपासना के महापर्व की तैयारी पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली में भी जोरों पर है। यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के बांध सरोवर तालाब के आसपास और घाटों के रंग रोगन का काम जारी है। बताया जा रहा है कि यहाँ छठ पूजा करने वालों की सुविधा के लिए बकायदा घाटों का टोकन दिया जाता है। छठी मैया और सूर्य की उपासना का छठ पर्व लोगों की धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था से जुड़ा हुआ है। इसलिए बिहार हो या पूर्वी उत्तर प्रदेश या फिर दिल्ली मुंबई, इस महापर्व को लेकर कमोबेश माहौल एक जैसा ही है। यही नहीं, देश के साथ साथ विदेशों में भी अब छठ का उल्लास लोक आस्था के इस महापर्व को दर्शाने के लिए काफी है। इसलिए अब इंतजार है उस पल का जब आस्था से सराबोर छठ की छटा और उसका उल्लास इन सभी जगहों पर देखने को मिलेगा। पटना से अनिकेत कुमार, मुजफ्फरपुर से मणिभूषण, चंदौली से उदय गुप्ता, दिल्ली से सुशांत मेहरा और नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।